प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही रेप व छेड़खानी की घटनाओं से हरियाणा पुलिस ने सबक नहीं लिया। अपराध कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। ताजा एक मामला रेवाड़ी जिले के एक गांव में देखने को मिला, जहां एक दलित महिला खेत से ईंधन लेने गई थी कि पड़ोसी गांव बास के दो दबंग युवकों ने उसे असमत लूटने के लिए खेतों में खींच लिया। महिला ने बचाव के लिए चिल्लाने लगी तो पास में ही मनरेगा के कार्य कर रहे मजदूरों ने आरोपियों के चुंगल से महिला को छुड़ाया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत फोन पर कोसली थाना पुलिस को दी, लेकिन स्मार्ट पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद पुलिस ने थाने पहुंचकर लिखित में शिकायत ली। लगभग 30 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। दोनों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। लगता है कि पुलिस ने प्रदेश में बढ़ते आरोपों से अभी कोई सबक नहीं लिया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जी वैसे मैं लाकड़ी लाने खातर गई, फिर पानी कमा सिरसों खेत वहाँ से निकले, चुपदे से आए कर मेरा हाथ पकड़े करने के बाद सिरसों में लेगा घसीट के, घसीट में ले जाके उनने चिपटने की कोशिश कर ली, मतलब उनका पूरा बुरा वादा था किसान का। फिर मैंने चिपटे खोस के ना आज का एक भाज गई, फिर नरेगा वाला काम कर रहे थे उसने, उन आए मेरे कने, वे आए के ना अरुण ने देखो भाज गया। मैं घर ना आई, घर ना आई कि फोन करवाया मैंने लड़का के पास। कहाँ फोन कराया? मेरा लड़का है। कहाँ फोन कराया आपने? मैंने थाना में फोन करवाया, थाना के मैं गई, जब इतने देर पुलिस वाली घर में पूरा कोई तो कार्रवाई नहीं हुई, कोशिश करी नहीं उनने। फिर हम गए थाना में जाके कहने लग गया, जन बोला पुलिस तो थारे घर में पहुँच गई। हमने उल्टा फोन करा। आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम फुल कार्रवाई चाहना, हमने ढीला नहीं सुटवाना जी। अभी से तक कुछ दिन पहले मेरा आदमी का पैर तोड़ दिया, तीन जगह थी। कौनल जी के कल की घटना क्या है, क्या हुआ पूरा मामला? यही घटना हुई थी, हम काम कर रहा था और वो दोनों चिपट रहे थे, उसकी चुन्नी उतार ली और फिर मैं बोल रहा जो भाई पड़े ले गए मुझसे। क्या नाम था आरोपी? अजीत और वो सतपाल। क्या ड्रिंक वगैरह कर रखी? हाँ पी रखी ड्रिंक, पी रखी देखिए। हाँ पी रखी। अच्छा कहाँ की बात है ये? बनी की बात, बनी की बात है। तो आपको देख कर वो फिर भाग गए? हाँ फिर सब कहाँ गया थे तक है? हाँ वो गाड़ी तो हमने सबने सुनी से। अच्छा क्या मामला है? एक महिला ने दरखास्त दी, उसने आरोप लगाया है कुछ लोगों। हाँ दरखास्त प्राप्त हुई है थाने के अंदर और वेरीफाई करके इनका पहले भी ऑफिस में चला हुआ है, मुकदमेबाजी चली हुई है और वेरीफाई करके वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस महिला ने सीधा आरोप लगाया कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। तो अगर ऐसे आरोपी, अगर ऐसे लोगों के साथ क्या क्या कार्रवाई की? बिल्कुल केस रजिस्टर होगा, अगर ऐसा है तो महिला पुलिस को कन्वे कर दिया गया और ऐसा जो दर्शना है हमारी महिला हेल्पलाइन की वो है इंचार्ज, उनको बता दी गई है, वो पहुँच रही हैं, तस्दीक करके कार्रवाई उन्होंने लगाई। अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है? मामला दर्ज नहीं हुआ है।